नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के अपने स्टेट विजिट के लिए आजकल फ्रांस गए हैं। फ्रांस में वो पेस्टाइल डे, जो कि उनका पब्लिक डे होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है, उसमें वो एज अ चीफ गेस्ट गए। बेस्टाइल डे क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, फ्रांस में बेस्टाइल डे क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इसको मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि इस बार बेस्टाइल डे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के चीफ गेस्ट, तो क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ के चीफ गेस्ट थे, तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेस्टाइल डे को मैंने अच्छे से कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो 2 दिन की पीएम मोदी की स्टेट विजिट थी फ्रांस में, यहाँ पे उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की वाइफ और तमाम जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको काफ़ी प्रीशियस गिफ्ट्स दिए। आज इस वीडियो में हम उन सारे के सारे गिफ्ट्स को कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में उसमें पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये खबरों में भी हैं और ये आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से गिफ्ट हैं जो हमारे साउथ इंडिया की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको दर्शाते हैं, तो इसलिए ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है सैंडलवुड सितार। ये है सैंडलवुड सितार। पीएम मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रन, उन्हें वन ऑफ अ काइंड गिफ्ट दिया है, सैंडलवुड सितार रेप्लिका। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेटिकुलसली क्राफ्ट किया गया है प्योर सैंडलवुड से। ध्यान रखिएगा कि ये जो सैंडलवुड सितार है इसको प्योर सैंडलवुड से बनाया गया है। ये बताता है एंशियंट आर्ट ऑफ सैंडलवुड, जो कि अभी भी प्रेवलेंट है हमारे सदर्न इंडिया में और ये सेंचुरीज से चलता आ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्योर सैंडलवुड से क्राफ्ट किया हुआ सितार का रेप्लिका, जो बताता है सदर्न इंडिया का जो एंशियंट आर्ट है सैंडलवुड कार्विंग का। ये सैंडलवुड सितार पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन को दिया है। इस सितार का रेप्लिका जो है इसे एडोन किया गया है इंट्रिकेट कार्विंग्स में, यानी आप इस फोटो में देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्विंग्स यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे जो कार्विंग्स हैं, सबसे पहले गोडेस सरस्वती की है, सबसे ऊपर ये देखिए गोडेस सरस्वती है जो कि सिंबलाइज करती है नॉलेज को और म्यूज़िक को। और दूसरी जो बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रिकेट कार्विंग है वो है भगवान श्री गणेश की, ये लॉर्ड गणेशा की, ये देख सकते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, विजडम को। और ऐसा माना जाता है कि ये सारे के सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं, इसीलिए इनको हम विघ्न हर्ता कहते हैं। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, विघ्न हैं, उनको ये हर लेते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रिकेट कार्विंग्स यहाँ पे सितार में देखने को मिली हैं, जो सैंडलवुड सितार पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रन को दिया है। गॉडेस सरस्वती का यहाँ पे आप देख सकते हैं और भगवान श्री गणेश का भी यहाँ आप देख सकते हैं। सरस्वती माता रिप्रेजेंट करती है नॉलेज और म्यूज़िक को, गणेशा रिप्रेजेंट करते हैं विजडम को, और विघ्न हर्ता यानी वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया गया है पीकॉक्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माता सरस्वती आ गई, ये गणपति आ गए, यहाँ पे ये क्या हैं, ये 2 पीकॉक्स हैं जो कि हमारे भारत का नेशनल बर्ड है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिथोरा ऑफ मोटिव्स एम्बेलिश किए गए हैं, जो कि हमारे भारत के कल्चर को, इंडियन कल्चर को दर्शाते हैं। ये गिफ्ट जो है ये ना सिर्फ भारत की रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को बताता है, बल्कि इसके साथ साथ ये सर्व करता है एज अ सिंबल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल चीज़ों का हम, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का हम एक्सचेंज कर रहे हैं और ये बताता है हमारे भारत की फ्रेंडशिप। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ये एक सिंबॉलिक सा जेस्चर होता है, एक दूसरे को थोड़ा सा मतलब है ना इम्पॉर्टेंट बताने के लिए कि भैया हम इतने इम्पॉर्टेंट गिफ्ट आपको दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, आपका जो देश है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी फ्रेंडशिप बताता है इंडिया और फ्रांस की, ये हमारे कल्चरल एक्सचेंज को सिंबलाइज करता है और इसके साथ ये भारत के रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को भी बताता है। इसके बाद आती है पोचाम्पली इकेट, जिसे सैंडलवुड बॉक्स में ब्रिगेट मैक्रोन को दिया गया, जो कि प्रेजिडेंट की स्पाउस है, वाइफ हैं। तो ये हैं ब्रिगेट मैक्रोन। अच्छा, एक फन फैक्ट कि ये पति पत्नी जो है इन दोनों के बीच में 20-25 साल का फ़र्क है, राइट। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बता दिया, खैर हमें इससे क्या लेना देना है, लेकिन चलो फिर भी अब मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा तुम्हें बता देता हूँ। तो ये जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं जिनका नाम है ब्रिगेट मैक्रोन, इन्हें पोचमपली, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ का सिल्क इकट
फैब्रिक गिफ्ट किया गया जो कि वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिज़ाइंस के लिए जाना जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है? पोचमपल्ली में, जो कि तेलंगाना में है। हाल ही में तेलंगाना में भारत की पहली प्राइवेट कोच फैक्ट्री भी शुरू हुई है, तो मैंने उसको एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो फैब्रिक है ये रिप्रेजेंट करता है भारत का रिच टेक्सटाइल हेरिटेज को। ये है तेलंगाना, ऐसा हमारे भारत के मैप में दिखता है तेलंगाना। इसको काफ़ी एलिगेंटली प्रेजेंट किया गया एक डेकोरेटिव सैंडलवुड बॉक्स में, जो कि क्राफ्टमैनशिप को बताता है और जो एरोमेटिक क्वालिटीज है सैंडलवुड की उसे बताता है। तो ये है मेन गिफ्ट, और ये जो पूरा बॉक्स है, ये सैंडलवुड बॉक्स, ये हमारी क्राफ्टमैनशिप को बताता है और जो एरोमेटिक क्वालिटीज़ होती हैं सैंडलवुड की उसे बताता है। तो ये गिफ्ट दिया गया किसे? मैक्रोन की जो वाइफ है। फिर आता है मार्बल इनले वर्क टेबल, जो कि एलिजाबेथ बॉर्न को दिया गया, जो फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक स्टनिंग मार्बल टेबल जो शोकेस करता है मार्बल इनले वर्क को, ये है वो स्टनिंग मार्बल इनले वर्क टेबल जो दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, दैट इज़ एलिजाबेथ बॉर्न को। ये इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप है जहाँ पे कटिंग और इंग्रेविंग इन्वॉल्व होती है सेमी प्रीशियस स्टोन्स की मार्बल के ऊपर। तो मार्बल के ऊपर जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनको कट करके इंग्रेव किया जाता है। और ये जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये राजस्थान के मकराना से आते हैं, जो कि अपनी हाई क्वालिटी मार्बल के लिए जाना जाता है। तो सवाल स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह है जो कि हाई क्वालिटी मार्बल के लिए जानी जाती है? तो वो मकराना है। अब देखिए यहाँ पे बात तो करंट अफेयर की हो रही है, आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि यार ये हम क्यों देखें, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपने जो काउंटर पार्ट है या फिर वहाँ का जो प्रेसिडेंट है और उसकी पत्नी है उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना, उससे जीके का लेना देना क्या है, उससे एग्जामिनेशंस का लेना देना क्या है? लेकिन बड़ा लेना देना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आर्ट एंड कल्चर का लेना देना है, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का लेना देना है। यहाँ पे मैकराना राजस्थान खबरों में आ गया, तब इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अब ये सवाल जो पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बट द थिंग इज़ कि ये करंट अफेयर्स में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ध्यान रखना है भाई, हाई क्वालिटी मार्बल जो है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान के मकराना में, और यहीं से सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो लिया गया, जिसको कट किया गया और इंग्रेव किया गया मार्बल के ऊपर। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप बताता है। और ये गिफ्ट जो है ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को दिया। ये टेबल फीचर करता है स्मॉल पीसेज ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स को, जिनको काफ़ी केयरफुली प्लेस किया गया है ग्रूव्स में, जिसकी वजह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कलरफुल सा मास्टरपीस लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं। फिर आता है हैंड निटेड सिल्क कश्मीरी कारपेट, जो कि दी गई येल ब्रॉन पाइवेट को। ये प्रेसिडेंट है फ्रेंच नेशनल असेंबली के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड निटेड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि ये हैंड निटेड है। तो हैंड निटेड सिल्क कश्मीरी कारपेट दी गई प्रेसिडेंट जो है फ्रेंच नेशनल असेंबली के, उन्हें, जिनका नाम येल ब्रॉन पाइवेट है। पीएम मोदी ने ये सॉफ्ट हैंड नेटेड सिल्क कारपेट जो है ये प्रेजेंट करी उन्हें, जो प्रेसिडेंट है फ्रेंच नेशनल असेंबली के, जो कि कश्मीर से बनी हुई है। तो ये कश्मीर का क्राफ्टमैनशिप जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है पूरी दुनिया को। वर्ल्ड वाइड ये जो कला है, ये जो आर्ट है, ये इंट्रिकेट नॉटेड डिटेल्स के लिए जाना जाता है, अपने कैप्टिवेटिंग कलर्स के लिए जाना जाता है। और ये जो कारपेट है ये प्रोसेस करता है काफ़ी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक करेक्टरिस्टिक इसका ये है कि जब इसको अलग अलग एंगल से देखा जाता है तो यहाँ पे ये अलग अलग शेड्स का दिखता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट नॉटेड डिटेल्स बताता है कि जब आपने इसको अलग अलग एंगल से देखा तो ये अलग अलग डिफरेंट शेड्स बता रहा है। तो ये भी हमारे भारत की क्राफ्टमैनशिप बताती है, हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की क्राफ्टमैनशिप बताती है। ये जो कलर है ये डे एंड नाइट वेरिएशंस भी दिखाता है शेड्स में, राइट तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इल्यूजन बना रहा है, डे एंड नाइट वेरिएशन दिखा रहा है। कई बार इसको देख के लगता है कि ये दो कारपेट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक ही कारपेट होता है। तो भैया देखा तो ऐसा हमने भी कभी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि जो खबरों में पड़ा वो आपको बता दे रहे हैं। अब कभी अगर ज़िंदगी में इतना पैसा आया और अगर कहीं पे मौका मिला कि हम इसको ख़रीद सकें या फिर वैसे ही देख सकें, तो फिर तब भी आपको इसको दिखाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा मौका मिला नहीं है। तो जो चीज़ें खबरों में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। फिर आता है सैंडलवुड हैंड कार्व्ड एलिफेंट अंबावेरी,
जो कि गेरार्ड लार्चर को दिया गया, जो कि फ्रेंच सीनेट के प्रेसिडेंट हैं। तो ये देखिए, ये है सैंडलवुड हैंड कार्व्ड एलिफेंट अंबावरी। पीएम मोदी ने डेकोरेटिव एलिफेंट फिगरिन जो है इसको गिफ्ट किया गेरार्ड लार्चर को, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रेंच स्टेट के। और ये जो आर्किटेक्चर है ये पूरा का पूरा कार्व किया गया है प्योर सैंडलवुड के ऊपर। तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि कैसे इसको कार्व किया गया है, देखो कितने ब्यूटीफुली इनको कार्व किया गया है। ये पूरा हाथी है, ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी ब्यूटीफुली दिख रही हैं। तो हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए अपने भारत के उन आर्टिस्ट के ऊपर जिन लोगों ने इस प्रकार की ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई हैं, और ये जो एक एंशियंट साइंस है वो अभी भी जीवित रखी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं और आप सारे उनके लिए हैट्स ऑफ करते हैं। ये जो फिगरिन है ये सिंबलाइज करती है विजडम, स्ट्रेंथ और गुड फॉर्चून को। ये क्या सिंबलाइज करता है? विजडम को, स्ट्रेंथ को, गुड फॉर्चून को। और ये काफ़ी स्पेशल प्लेस रखता है हमारे भारत के कल्चर में। ये जो आर्ट का नायाब नमूना है ये बताता है हारमोनियस कनेक्शन बिटवीन हमारी नेचर, कल्चर और आर्ट। तो ये वो सारे गिफ्ट थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस में अपने जो 2 दिन का स्टेट विजिट थी उसमें अलग अलग इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज को दिए, जो कि सिंबलाइज करता है कि भारत का जो एंशियंट आर्ट है वो कितना ज़बरदस्त है। वो सिंबलाइज करता है कि किस प्रकार से हमारे युवाओं ने भी अभी तक वो जो एंशियंट साइंस है, आर्ट है, उसको जीवित रखा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे भारत और फ्रांस की जो फ्रेंडशिप है उसे भी सिंबलाइज करता है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कमियाँ बताएँ ताकि मैं अपने आपको इम्प्रूव कर सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो इसलिए अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। और जीके करंट अफेयर कैसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।